अगर आपका मान के चलिए कोई योजना में 100 रुपया की लागत आती है तो 90 रुपया सरकार वहन करेगी, 10 रुपया आप सरकार के तरफ से अपने तरफ से सरकार को देते हुए 100 रुपया का लाभ ले सकते हैं। इसके पश्चात अगर आप मुर्गी पालन, सुकर पालन, गाय पालन का लाभ प्राप्त कर लेंगे तो फिर पुनः इसी का अगला कड़ी में मनरेगा के तहत इस योजना में आपको सेठ का भी लाभ उपलब्ध होगा। तो आप सभी से अनुरोध है, आप जिला पशुपालन विभाग के स्टॉल पे जाकर के आप और भी बेहतर जानकारी वहाँ के इसमें उपस्थित कर्मियों से लेंगे और वहाँ जाकर के आप अपना आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसी क्रम में जिला ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा के तहत स्टॉल हमारे लगाए गए हैं। अगर आपको मनरेगा में काम पाने का काम वहाँ ले सकते हैं, नया जॉब कार्ड का निबंधन करवा सकते हैं। अगर आपकी जमीन है, आप वहाँ पर डोबा बनवाना चाहते हैं, किसी भी बनवाना चाहते हैं, मेजबंदी बनाना चाहते हैं, तालाब बनाना चाहते हैं, सिंचाई को बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ भी जा करके आप मनरेगा स्कूल में आप अपना आवेदन समर्पित। बेहतर योजना है। अगर आपको फलदार वृक्ष चाहिए, अगर आपको आम बागवानी वगैरह चाहिए, अगर आपको सरकार देगी उसमें मजदूरी की पैसा मनरेगा के तहत नहीं किया जाएगा और उसका जो भी फल होगा वो सारा फल आपका खुद का पर्सनल है, आप उसको अपने से जाके बाजार में बेच के आप उसके साथ अपना जीविका चला सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, बहुत सारे हैं। अगर वैसे भी विधवा महिलाएं जिन्हें अंबेडकर आवास के साथ भी जोड़ना है, अगर आप विधवाएं हैं, अगर आपको अंबेडकर आवास का लाभ नहीं मिला है तो आप संबंधित स्टॉल में जाकर के आप विधवा आवास का तो हम लोग बोलते हैं अंबेडकर आवास योजना का आप लाभ लेने हेतु आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आप हमारे इस ग्राम पंचायत खाटसा के सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें आप अपना स्वास्थ्य के बारे में जांच करा करके वहां